प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के विषय में। सद्गुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन हुवो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वादशो अध्याय, शीर्षक परीक्षित का जन्म। आइए अब कथा का आरम्भ करते हैं। सौनक जी ने कहा कि अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानो उपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई थी वह सब आप यदि ठीक समझे तो कहें। हम लोग बड़े श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से ही वे समस्त भोगों से निःस्पृह हो गए थे। सौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा फल स्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायत रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। सौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिमय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का था, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल था। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष को बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी चार भुजाएं थी, कानों पर तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथों में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाया जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देता है, वैसे उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रेममय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय से वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अथा नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौरे, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथे घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा कि पुरवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने वाले भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की, इसीलिए इसका नाम विष्णु राध होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कृति महात्मा का, राजयर्षियों का अनुसरण करेगा? तब ब्राह्मणों ने कहा कि धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसीनर नरेश सिंबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। याज्ञी में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुधरों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रणी होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुअस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने वाला, माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समस्ता बनी रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार और यतातीत के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा से प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से यशोमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक करने वाला होगा।
इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के साप से तक्षक द्वारा जब अपनी मृत्यु सुनकर सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों में शरण लेगा। व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के अर्थार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। अंत में गंगा तट पर अपने शरीर का त्याग कर निश्चय ही अभय प्रद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेषक ब्राह्मण और युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक की जन्म लग्न का फल बतला कर भेंट और पूजा की सामग्री लेकर वे अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता और देखता कि इनमें से वह कौन सा है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन होकर बढ़ता हुआ श्रीगृह सयाना हो गया। इस समय स्वजनों के वध का पराक्षित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे चिंता में पड़ गए। जब उनका अभिप्राय समझ कर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन लेकर आए, उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर ने निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों का उनका यज्ञ संपन्न कराकर उन्हें सुहृदय पांडव की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं पर रखा। सौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के लिए प्रस्थान किया। यहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में रुचि रखते हैं और उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।